हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव करना हम महिलाओं के लिए एक हुनर जैसा है, और बचत के हिसाब से ये हुनर होना तो हमारे में बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे मोल भाव किया जा सकता है। दूसरा विषय है कि दुकानदारों से मोल भाव के विषय में कैसे बात की जाए। तो फ्रेंड्स, एक बात यह है कि सभी लोग यही कहते हैं कि दुकानदार के पास जाके कि हम आपके पुराने कस्टमर हैं तो आप हमें तो कम से कम मूल्यों में रियायत दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये पुराने कस्टमर की बात तो पुरानी हो गई, पुराने कस्टमर्स की बात पुरानी हो गई, क्योंकि आप उन दुकानदारों से ये कहिए कि आप उनके नए कस्टमर हैं। और अगर आप पहले से ही हमें ये जो हमारे हमें फ़र्स्ट टाइम हम आए हैं और हमें फ़र्स्ट चीज़ ही आप सही मूल्य पे नहीं देंगे तो हम कैसे दोबारा आएंगे आपके दुकान पे। तो जैसे कि आप, और आप उनसे दूसरी बात यह भी कह सकते हैं, जैसे आपको ठंड के सीज़न में स्वेटर खरीदनी है तो आप उनसे यह भी कह सकते हैं कि हमें और भी स्वेटर्स खरीदनी है घर में, तो अगर आप पहली स्वेटर हमें अच्छी मूल्य पे नहीं देंगे तो हम कैसे आएंगे आपकी दुकान पे। शादी वाले सीज़न में कह सकते हैं कि बहुत सारी शॉपिंग और भी करनी है, तो अगर आप हमें हमें सही मूल्य पे चीज़ें देंगे तभी तो हम आपकी दुकान पे दोबारा आएंगे। हमें ऐसा मौका दीजिए कि हम दोबारा आपकी दुकान पे आएँ, तो हमें सही मूल्य पे चीज़ें दीजिए। आपका यह कहना भी बहुत प्रभावी हो सकता है। दूसरी टिक है मेरे हिसाब से कि जब भी कभी कोई आपको दो तीन चीज़ें इकट्ठा खरीदनी, जैसे कि आपको दो तीन ड्रेसेस जो हैं इकट्ठा खरीदनी है, तो आप किसी एक दुकान पे टिके कभी भी नहीं रहें। यानी कि आपको तीन ड्रेसेस खरीदनी है तो आप तीन दुकानों का उपयोग करें। ऐसा करने से आपका होगा क्या कि आपकी स्किल बढ़ेगी कि कौन से कपड़े कैसे मूल पे मिल रहे हैं। आप तीन दुकानों पे जाएंगे, अलग अलग वैरायटी मिलेंगी, अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे कपड़ों के, तो और अलग अलग मूल भी मिलेंगे। तो उस हिसाब से कभी हो सकता है पहली दुकान में आपको महंगा, दूसरी दुकान में आपको सस्ता मिल जाए, और आपको मूल्यों की भी जानकारी होगी। तो आप कभी भी एक दुकान पर टिके ना रहें, एक दुकान से एक ही चीज़ खरीद। फ्रेंड्स, होता यह है कि दुकानदार जो होते हैं, तो अगर आप उनसे दो ड्रेसेस खरीदने तो आपको मान लीजिए एक 250 का दे दिए तो दूसरा वो 600 का दे देंगे। यानी कि वो मूल्यों में एडजस्टमेंट कर लेते हैं और ज़्यादा लाभ कमा ही लेते हैं। पहली चीज़ सस्ती दे देंगे तो आपको लगेगा ठीक ही सामान दे रहा है, और दूसरा चीज़ महंगा दे देंगे। तो आप एक दुकान पर कभी टिके ना रहें, कई दुकानों का उपयोग करें, इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, तीसरा है कि मैनेजर से भी बात ज़रूर करें। जब भी आपको सामान लेना हो तो आप वो जो सेल्समैन होते हैं उनसे तो ठीक ही है, उनसे डिस्काउंट पे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि वो डिस्काउंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। मैनेजर के पास आप ज़रूर जाएं, मैनेजर ज़रूर डिस्काउंट दे देंगे। बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर। लेकिन इसके पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नए नए अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए। तो चौथी बात तो अब आती है हाव भाव के। फ्रेंड्स, अपने हाव भाव से दुकानदार को कभी ये ना पता चलने दें कि कोई आपको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। क्योंकि होता है ना कि सभी कोई जानते हैं कि जब भी आप अगर किसी सामान पे रीच जाते हैं तो आप उसका कोई भी मूल चुका सकते हैं। तो दुकानदार को ये पता ना चलने दें कि वो और ज़्यादा मूल आपको बताए, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से जानते रहते हैं कि ग्राहक को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसका कोई भी मूल चुका सकते हैं वो। तो इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी कोई आपको दुकानदार जब भी आपको सामान दिखाए तो उसका रेट जब बताए तो अपने हाव भाव से थोड़ा सा ये ऐसा जताएं कि आप चकित हो रहे हैं कि इतना सारा, इतना महंगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है कि मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा चकित हो जाएं तो अजीब ही लगे दुकानदार को। इससे होगा ये थोड़ा सा चकित होने में कि दुकानदार आपको वस्तुओं की और ज़्यादा खूबियां बताएगा, जो चीज़ ज़्यादा महंगी बताएगा उसकी खूबियां भी वो उसी तरह से बताता चला जाएगा। तो आपको खूबियों के बारे में जानकारी होती चली जाएगी कि कौन सी चीज़ें कितनी महंगी होनी चाहिए खूबियों के हिसाब से। सातवीं ट्रिक ये है कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जैसे कि शाम के वक्त सब्ज़ियाँ सस्ती मिलती हैं तो हाव भाव कर मोल भाव करने में आसानी होती है। सब्जियों तो बहुत ही आसानी से कम दाम में मिल जाएंगी शाम के वक्त। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कप वगैरह, बहुत सी छोटे छोटे सामान जो होते हैं, तो वो सामान जो है शाम के वक्त दुकान बंद करते वक्त जो है तो दुकानदार सही कीमत पे दे देते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है, जल्दबाजी होती तो दे देते हैं। फ्रेंड्स, आठवीं बात यह है कि आप भीड़ वाले सीज़न का उपयोग मार्केटिंग के लिए कम करें। यानी कि जब आपको मार्केट जाना हो तो भीड़ वाले सीज़न का कम उपयोग इसलिए करें, क्योंकि भीड़ वाले सीज़न में
दुकानदारों की कोई गरज ही नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है कि वो जो दाम बोलते हैं आपको लेना भी पड़ता है। ऐसा टाइम होता है जैसे कि शादियों का सीज़न होता है, तो कपड़े वगैरह हर चीज़ महंगी होती हैं और दुकानदार बिल्कुल भी भाव नहीं देते करते हैं। और जैसे कि एंड टाइम पर ना जाएं, जैसे कोई त्यौहार होता है, अब शाम का ही वक्त है, शाम के ही वक्त आप जा रहे हैं, पूजा का वक्त हो रहा है और तो आप सामान लेने जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। जैसे कि करवा चौथ ही हो गया, सामान लेने जाना है, थोड़ा सा वक्त पहले निकालें। साड़ियाँ वगैरह बहुत सीज़न होता है त्योहारों का, और ठंडियों को ही बहुत ही ज़्यादा ठंडी में आप कड़ाके की ठंडी में जाएंगे, भीड़ होती है। जब भी भीड़ होती है तो दुकानदार की गरज नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा दाम में सामान बेचते हैं। फ्रेंड्स, मोल भाव करने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें हर चीज़ों की पूरी जानकारी हो, कि वस्तुओं के मूल्यों के बारे में हमें पूरी जानकारी हो कि कौन सी चीज़ हमें कितने रुपए में ही मिलनी चाहिए और उसका सही मूल्य क्या होता है। लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स ये है कि आप जब भी कहीं अगर सामान खरीदने जाएं तो आपके आसपास जो सबसे पहले जो अदर ग्राहक होते हैं तो वो जो चीज़ खरीदते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं कि वो चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो दुकानदार उन्हें कितने में दे रहा है। दूसरी बात ये है कि आप जैसे एक चीज़ खरीद रहे हैं और आपको बाद में जो चीज़ें खरीदनी हैं आप उनके मूल्य भी पहले से पता कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर आप दोबारा सेकेंड टाइम में किसी और दुकान पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ उस दुकान पे इतने मूल्य पे मिल रही थी और यहाँ तो इतने पे मिल रही है। और तीसरी बात तो ये है कि आपके फ्रेंड या आसपास के लोग भी चीज़ें खरीद के लाते हैं तो आपको दिखाते भी ज़रूर होंगे, तो आप उनसे भी मूल्यों के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी न्यूज़ वगैरह का उपयोग और न्यूज़पेपर का उपयोग तो आप कर ही सकते हैं। फ्रेंड, एक लास्ट बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी दुकानें जो होती हैं, बड़े बड़े मॉल्स, जो छोटी छोटी ब्रांडेड चीज़ों का तो कोई वो ही नहीं होता, मतलब उनका मोल भाव ज़्यादा किया नहीं जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं तो बड़े बड़े दुकानों में उनका ज़्यादा ही मूल्य शो किया जाता है। वो अपने दुकान की फैसिलिटी का भी, ऐसा लगता है कि दुकान की फैसिलिटी का भी चार्ज सामानों पे ही थोप देते हैं। तो आप मीडियम साइज़, मतलब मीडियम टाइप जो दुकान है उधर पे आप मांग करें हाई ब्रांडेड की हमें चीज़ें दिखाइए, वहाँ पे आपको सही मूल्य की चीज़ें मिलेंगी और आप जितने भी चीज़ों का, दूसरी चीज़ों का मूल्य पूछेंगे वो आपको नरमी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।